छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वचन के बारे में देखने वाले हैं। व्याकरण वचन देखिए, यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के इस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर किताबें हैं, यहाँ पर किताबें हैं, मेरे हाथ में, मेरे एक हाथ में एक किताब और दूसरे हाथ में दो किताब है। देखो, यहाँ पर एक हाथ में एक किताब और दूसरे हाथ में दो किताबें हैं, तो इससे संख्या का पता चलता है कि एक हाथ में एक ही किताब है और दूसरे हाथ में दो किताबें हैं। तो इससे किताब और किताबें, ये दो शब्द हमें मिले, किताब और किताबें, इन दोनों में क्या फर्क है कि एक शब्द है वो एक वचन वाला है और दूसरा शब्द है अनेक वचन वाला शब्द है। तो इसकी परिभाषा देखिए, वचन यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। तो बच्चों देखिए, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको और समझा कर लेते हैं। पहला उदाहरण है, लड़की स्कूल जा रही है, लड़की स्कूल जा रही है। यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है लड़की, लड़की स्कूल जा रही है और यहाँ उसके सामने ही एक उदाहरण है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। देखो, यहाँ पर एक लड़की शब्द है और यहाँ लड़कियां शब्द है, संज्ञा शब्द है, दोनों ही संज्ञा शब्द है। यहाँ पर फर्क क्या है, लड़की अकेली है और यहाँ लड़की, लड़कियां अनेक है, यहाँ लड़कियां अनेक है। तो संज्ञा से इस वचन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यहाँ संज्ञा बदलती है, संज्ञा एक वचन और यहाँ पर अनेक वचन है। दूसरा वाक्य देखिए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं यह सर्वनाम है, मैं यह क्या है, सर्वनाम है और यहाँ पर दूसरा वाक्य क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम, यह भी एक सर्वनाम है, अगर अकेला व्यक्ति है तो क्या बोलेगा, अकेला लड़का है तो क्या बोलेगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और अनेक लड़के हैं तो क्या बोलेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलेगा, हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा वाक्य देखिए, वह लंबा आदमी इधर आ रहा है, वह लंबा आदमी इधर आ रहा है। और देखिए उसके आगे जो वाक्य है ऐसे है, वह लंबे आदमी इधर आ रहे हैं, इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर लंबा है विशेषण है, आदमी कैसा है, लंबा है, तो लंबा यह विशेषण वाला शब्द हुआ। वह लंबा आदमी इधर आ रहा है, वह लंबे आदमी इधर आ रहे हैं, तो यह लंबे यह विशेषण हुआ, लंबा एक है तो लंबा, अगर अनेक है तो लंबे। तो यहाँ हमें विशेषण के द्वारा वचन की जानकारी मिलती है। चौथे वाक्य में देखिए, छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है और यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं, दोनों वाक्य में छात्र शब्द वैसा ही है पर यहाँ क्या बदला है, क्रिया, उसकी क्रिया बदल गई है, छात्र पढ़ रहा है और यहाँ पर क्रिया है, छात्र पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द के इस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। तो ये सभी वचन वाले शब्द है, इससे हमें पता चलता है कि वचन के दो भेद है, एक वचन और अनेक वचन, जिसे बहुवचन कहा जाता है। तो यहाँ पर लड़की शब्द एक वचन है, लड़कियां शब्द अनेक वचन है, बहुवचन है, मैं एक वचन है और यहाँ पर हम शब्द बहुवचन है, लंबा शब्द एक वचन वाला शब्द है और यहाँ पर लंबे शब्द अनेक वचन वाला शब्द है, बहुवचन वाला शब्द है। पढ़ रहा है, इससे हमें एक वचन का बोध होता है और पढ़ रहे हैं, इससे हमें बहुवचन का बोध होता है। तो चलिए बच्चों, और वचन परिवर्तन के नियमों की जानकारी लेते हैं। देखो, वचन के दो भेद हैं, इसमें एक वचन और बहुवचन, ऐसे दो भेद किए जाते हैं। एक वचन की परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है, वह क्या कहलाता है, एक वचन
उदाहरण देखें और उसके अनिर्वचन करके भी देखें, पर यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं परिभाषा उसकी। एक वचन की परिभाषा है कि जो शब्द एक ही वस्तु का बोध करा रहा है उसे एक वचन वाले शब्द कहा जाता है। तो लड़की, घोड़ा, पतंग, बच्चा, ये क्या शब्द? ये शब्द आपको एक वचन का बोध करा रहे हैं। दूसरा देखिए बहुवचन, दूसरा मैं है बहुवचन। शब्द के किस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाता है। यहाँ पर देखिए इसमें देखा लड़की और यहाँ अनेक वचन में क्या होता है, लड़कियां, घोड़े, पतंगे, बच्चे। देखो ये अनेक वचन वाले शब्द हैं। तो इसके पहले हमने देखा उस उदाहरण के द्वारा और अभी हमें हमने परिभाषा के द्वारा इसकी जानकारी ली और इसके नियम है वचन परिवर्तन के और नियम है इसको हम अभी देखेंगे। वचन परिवर्तन के कुछ नियम है उसके नियम हम देखेंगे अभी। अ के स्थान पर ए लगाकर, देखिए पहला नियम है अ के स्थान पर ए लगाकर, ए के ऊपर चंद्रबिंदु है और यहाँ पर पहला शब्द दिया है पुस्तक। पुस्तक यहाँ पर अ का स्थान है, कहाँ है? पुस्तक के अंतिम वर्ण में, जो अंतिम वर्ण है को इसमें अ का स्वर छिपा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको ए लगाना है। ए, ए के ऊपर चंद्रबिंदु है, ए लगाना है और इसको अनेक वचन में परिवर्तित करना है। देखिए शब्द कैसे बनेगा, पुस्तक बनेगा पुस्तकें। यहाँ पर के ऊपर अनुस्वार दिया जाएगा, यानी ए क्या है, ए, ए लगाना है, पुस्तक का बनेगा पुस्तकें। उसके बाद बह, बह के यहाँ पर देखिए अंतिम जो वर्ण है उसमें अ का स्वर छिपा हुआ है और नियम क्या बताता है, अ के स्थान पर ए लगाकर उसका बहुवचन किया जाता है। तो यहाँ पर बहन शब्द शब्द है तो क्या बनेगा, बहने शब्द बनेगा बहने। यहाँ पर अनुस्वार देना, यहाँ पर अनुस्वार देना ही चाहिए क्योंकि ए लगा है ए। आंख शब्द का बनेगा आंखें। ख के ऊपर एक की मात्रा और ऊपर अनुस्वार। देखिए दूसरा नियम बता रहा है कि आ के स्थान आ के साथ ए लगाकर, दूसरा नियम क्या है, आ के साथ ए लगाकर ए। तो सेवा, देखो यहाँ पर दूसरा दूसरा जो नियम है वो क्या बता रहा है कि आपके साथ ए लगाकर सेवा शब्द है। सेवा शब्द में बनेगा से, सेवाएं। सेवा शब्द का बनेगा सेवाएं। क्या लगाया हमने इसे आपके साथ, इस वाक्य साथ ए लगाया, से क्या लगाया, ए लगाया आगे का ऊपर चंद्रबिंदु। इसका वैसे ही बनेगा मालाएं, आगे साथ ए लगाया माताएं। देखिए इन दो नियमों के अनुसार किस तरह से बदले जाते हैं वो देखिए। अ के साथ अ के स्थान पर ए लगाकर और यहाँ पर आ के साथ ए लगाकर, यहाँ पर उसके स्थान पर ही, इसके स्थान पर ही यहाँ पर ए लगाया और इसके आगे ए लगाया। तो यहाँ पर इस तरह से अनेकवचन बदला जाता है। इस उदाहरण में देखिए आ के स्थान पर ए लगाकर, यहाँ बेटा शब्द है तो अंतिम वर्ण जो है ता, इसमें क्या है, आ का स्वर है, तो हमें क्या करना है, आ के स्थान पर ए लगाना है। मतलब इस ता को किसकी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लगेगी। तो देखिए शब्द बनेगा बेटे, शब्द बनेगा बेटे, सिर्फ ए लगाना है। बेटा शब्द बनता है अनेकवचन बेटे। पत्ता, ए लगाने से क्या बनेगा, पत्ते। घोड़ा, ए लगाने से बनेगा घोड़े। इस नियम में देखो ई और ई के स्थान पर या लगाकर हमें बहुवचन में उसको परिवर्तित करना है। यहाँ पर छोटी ई है और बड़ी ई है, इस स्थान पर या लगाना है। शब्द दिया है लड़की, यहाँ पर कौन सी की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो हमें क्या करना है, ई यानी छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगानी है। तो शब्द बनेगा लड़की,
लड़कियां, क्या बनेंगे शब्द लड़कियां। दूसरा है गाय, यहां पर भी वैसे ही दूसरी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो यहां पर छोटी की मात्रा दी जाएगी और शब्द बनेगा गालियां, शब्द बनेगा गालियां। यहां देखिए बड़ी ई है, अंतिम वर्ण जो है वो स्वर है ई, क्या है ई, तो मिठाई बनेगा मिठाइयां, इसमें छोटी ई लगेगी और या के ऊपर चंद्रबिंदु, इस तरह इसको एकवचन का अर्थ में परिवर्तित होते हैं। इस नियम में देखिए या के या पर चंद्रबिंदु लगाकर, तो यहां पर गुड़िया शब्द है, मतलब इया, क्या है यहां पर इया, ई की मात्रा है यहां पर और या है, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर गुड़िया शब्द है इसको चंद्रबिंदु लगाना है, या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाना है, तो शब्द बनेगा गुड़िया, शब्द बनेगा गुड़िया। यहां पर चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द एक वचन वाला शब्द है, हमें इसे क्या करना है, यहां पर चंद्रबिंदु लगाना है यहां पर, तो शब्द बनेगा चिड़िया, शब्द बनेगा चिड़िया। अभी तीसरा शब्द देखिए चूहिया शब्द है, क्या शब्द है चूहिया, हमें क्या करना है, सिर्फ चंद्रबिंदु लगाना है, तो शब्द बनेगा चूहिया, शब्द बनेगा चूहिया। अब यहां पर देखिए नियम में देखिए उ उ और ओ के साथ ए लगाकर, यहां पर शब्द है ऋतु, क्या शब्द है ऋतु, हमें सिर्फ क्या करना है ए लगाना है, ए ऋतुएं, शब्द बनेगा ऋतुएं। यहां पर बहु शब्द है, इस ह को दूसरे उ की मात्रा दी है, तो यहां पर पहले उ की मात्रा बनेगी और आगे ए जोड़ा जाएगा ए। उसके बाद देखो गौ है, नियम क्या है, औ के साथ ए लगाकर, तो गौ शब्द वैसे ही रहेगा और उसके आगे ए लगेगा, तो शब्द बनेंगे ऋतुएं, बहुएं और गौएं। समझ में आ रहा है, देखिए अभी आगे देखिए यहां पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जिनको अंत में शब्द जोड़ने से उसका अनेकवचन रूप होता है, तो यहां पर पक्षी है तो पक्षी वृंद, यहां पर क्या जोड़ा गया है वृंद शब्द जोड़ा गया है, इसलिए यह अनेकवचन वाला शब्द हुआ है। अध्यापक, अध्यापक गण, यहां पर वृंद है, यहां पर गण जोड़ा गया है, तो यह अनेकवचन वाला शब्द हुआ। प्रजा, प्रजाजन। मजदूर, मजदूर वर्ग, क्या है मजदूर वर्ग। अमीर, अमीर लोग, अमीर, अमीर लोग, अमीर लोग यह अनेकवचन वाला शब्द है, तो यहां पर हमने